देखिए, अब नाटो के बारे में पूरा संक्षेप में बहुत ही अच्छा बात बताने जा रहे हैं, संक्षेप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, जिसको आप है ना सो नोट कर लीजिए या लिख लीजिए जो भी लिखा हुआ है वो। तो नाटो के बारे में, तो देखिए नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो के बारे में, इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। तो नाटो क्या है, नाटो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है ना। तो नाटो इज ए इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस एस्टेब्लिश बाई वाशिंगटन ट्रीटी ऑन 4 अप्रैल 1941। तो नाटो इज ए इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस एस्टेब्लिश बाई वाशिंगटन ट्रीटी ऑन 4 अप्रैल 1949 को ये है ना ट्रीटी साइन हुआ था वाशिंगटन में। तो ये है ना सो नाटो, नाटो का फॉर्मेशन यही हुआ था, कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन ट्रीटी के द्वारा इसका है ना मिलिट्री अलायंस है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है, बेल्जियम की, बेल्जियम है ना सो यूरोपियन देश है। तो वहाँ की राजधानी जो है ब्रुसेल्स, तो वहाँ उसके हेडक्वार्टर है। कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन, सिंस इट्स फाउंडिंग द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर स्टेट हैज इंक्रीज द अलायंस फ्रॉम द ओरिजिनल 12 कंट्रीज टू 30। अब जिस समय जो नाटो जो बना था 1949 में, जिस समय इसका फॉर्मेशन हुआ था, उस समय मात्र इसमें 12 देश थे, लेकिन अभी अभी इसका में कितना है, 30 देश हैं। तो 1949 में इसमें मात्र 12 देश थे, जो है ना सो 2022 में अभी तो कितना देश, 30 देश है। तो नाटो के टोटल मेंबर स्टेट कितना है, 30। तो ये हो गया, द मोस्ट रिसेंट मेंबर स्टेट टू बी एडेड टू नाटो वाज नॉर्थ मैसेडोनिया ऑन 27 मार्च 2020। तो है ना, तो सबसे इसका नया मेंबर कौन है, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो नॉर्थ मैसेडोनिया है जो है ना सो नाटो का सबसे नया मेंबर है। और ये कब सदस्यता ग्रहण किया नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो का, तो 27 मार्च 2020 में इसका नाटो का सदस्य बना है नॉर्थ मैसेडोनिया, तो सबसे नया सदस्य है। रिमेन फार्मली कमिटेड टू नाटो फाउंडिंग वाशिंगटन ट्रीटी इंक्लूडिंग दैट एन अटैक अगेंस्ट वन एलाय शैल बी कंसिडर एन अटैक अगेंस्ट अस ऑल एज इन श्राइन इन आर्टिकल 5। अब ये जो नाटो का जो ट्रीटी हुआ था वाशिंगटन में 1949 में जब बना था, तो जितना भी 12 मेंबर स्टेट है ये ट्रीटी जब साइन किया था, तो इसके आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ, ये यह बात लिखा हुआ है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नाटो के आर्टिकल 5 में, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये लिखा हुआ है कि अगर जितना भी सदस्य देश है उनमें कोई भी सदस्य देश के ऊपर अगर कोई है ना कोई तीसरा देश अगर आक्रमण किया, तो यह माना जाएगा कि सभी सदस्य देश के ऊपर ये आक्रमण हुआ है, और सभी सदस्य देश है ना सो उसको उस है ना तीसरे देश का मुकाबला करेंगे। मान लें कि इसमें है ना सो अभी अभी जो 30 देश है, तो उसमें अगर नॉर्थ मैसेडोनिया है ना सो इसका सबसे नया मेंबर बना है, तो नॉर्थ मैसेडोनिया पर इसके नियम के मुताबिक ये है कि नॉर्थ मैसेडोनिया पर अगर मान लिया कि रूस अगर अटैक कर देता है, तो यह मान तो यह है ना ये तो अभी नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो का सदस्य बन गया है, अगर रूस अगर इसमें मान लीजिए कि अटैक करता है, तो माना जाएगा कि सभी जो 30 देश है जो इसके नाटो के सदस्य देश है, इस सब पर अटैक माना जाएगा, सबको मिलकर रूस पर अटैक कर देगा। इसका आर्टिकल 5 का यही मतलब है कि किसी भी नाटो के सदस्य देश पर अगर कोई एक भी देश पर आक्रमण माना, तो माना जाएगा कि सभी सदस्य देश पर आक्रमण हुआ है, सबको मिलकर उस है ना जो देश अटैक किया उस पर उसका मुकाबला, उसके विरुद्ध लड़ाई युद्ध छेड़ देगा। तो ये है नाटो का आर्टिकल 5 में यही लिखा हुआ है।